नाइन का हिस्ट्री का ये चैप्टर वन का पार्ट सिक्स है। इसमें हम लोग देख रहे हैं रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मीन्स आतंक का काल, और ये शुरुआत हुआ जून 1793 से और जुलाई 1794 तक चला। ये आतंक का काल आया कहाँ से, इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो हम लोग देखे थे जैकुबिन क्लब का, जिन्होंने अलग अलग तीन क्लब हम लोगों ने चर्चा किया था, तीनों क्लब का ये हुआ था। और जब जैकुबिन क्लब ने, जब क्योंकि लोअर क्लासे थे और वो लोग जब सरकार बनाए, तो वहाँ के जो उनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, तो उन्होंने इसकी सब सरकार का हेड बना। लेकिन उनका जो काम था, जब हेड बनने के बाद, जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनने के बाद, जो वहाँ पर उसने, आपने देखा कि जिस तरह से जो लुई 16 था, उसने ऑस्ट्रिया और प्रुसिया से समझौता करके वहाँ भागने का प्लान कर रहे थे, तो उसको वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया। फिर चुनाव हुआ, तो वहाँ पर मैक्सिमिलियन जो रॉब्सपियर की पार्टी, जो जैकुबिन क्लब है, वो जीत गई। और वहाँ उसने क्या किया कि जो उनके दुश्मन थे, जो नहीं चाहते थे कि लोअर क्लास ऊपर आए, जो अपर क्लास के थे या मिडिल जो एजुकेटेड क्लास थे, उनको उसने गुलंटाइन करना चालू किया। गुलंटाइन मतलब कि एक तरह का मशीन था जिससे गला सरकलम कर दिया जाता था, और 16,000 जो एनिमीज थे, दुश्मन, उसको मार दिए। उसके बाद जाके जो वहाँ के मैरी एंटोनेट थी, जो महारानी थी, जो जैसे लुई 16 की जो पत्नी थी, उसको भी मार दिया गया। चर्चेज को ख़त्म कर दिया गया या बंद कर दिया गया। स्लेवरी, जो गुलामी प्रथा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और न्यू कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मैंने 10 आवर्स को एक दिन माना गया, 100 मिनट को एक आवर माना गया, और 10 डेज को एक वीक माना गया। लेकिन इतना आतंक का काल होने के बाद क्या हुआ वहाँ पर, कि युद्ध के चलते जब लड़ाई हुआ था, तो फूड जो है शॉर्टेज हो गया, और इसके बाद जाके जैकोबिन क्लब को बैंड कर दिया गया, और रॉब्सपियर जो हिमसेल, उसको एक्सक्यूटेड कर दिया गया। इससे पहले हम लोग आके देखते हैं कि यहाँ पर है क्या जो इसका स्टोरी में, तो हम लोग ये बुक का देखते हैं। तो बुक में जो है रेन ऑफ टेरर, आतंक का काल, जो हम लोग अंतिम जो थ्री का है उसका पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग चौथा जब स्टार्ट करेंगे, तो फोर्थ जो इसका यूनिट है, जिसमें डिड वीमेन हैव ए रेवोल्यूशंस, क्या औरत भी आंदोलन में शामिल हुई, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो रेन ऑफ टेरर, आतंक का काल, जैसे कि हमने बताया कि जून 1793 से जुलाई 1794 तक ये पीरियड आतंक का काल था। मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट थी जैकोबिन क्लब की, जो कि चुन के आया था। इज रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। रॉब्सपियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल, कि वो खतरनाक तरीके से उसको नियंत्रण चाहता था, और पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट चाहता था, ऑल दोज हुम ही सॉ एज ए बींग एनिमीज, कि उसको लगता था कि दुश्मन है रिपब्लिक का, लोकतांत्रिक का, क्योंकि जो फ्रांस था पहले मोनार्की था, मोनार्की के बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि संविधान, मोनार्की संविधान बना, लेकिन संविधान का हेड जो राजा होता था, जैसे अभी ब्रिटेन में है महारानी है, क्वीन है, तो उसी तरह से जो उसके रिपब्लिक के दुश्मन थे, चाहे नोबेल्स हो गए, चाहे चर्च क्लेर्जी हो गए, या मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, या फिर मेंबर्स ऑफ ओन पार्टी, उनकी अपनी पार्टी का, कि जो उनकी मेथड से सहमति नहीं थे, उसको अरेस्ट कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। एंड देन ट्राइड टू बाय रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और उसको मैंने ट्रिब्यूनल एक बैठाया गया, जिसमें पूछताछ हुआ, और उसमें वहाँ पर उसको अगर गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया, तो उसको क्या क्या ग्लोटाइन किया गया। ग्लोटाइन है क्या, इसका डिफिनेशन है कि इट इज़ ए डिवाइस, एक डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, दो पोल बंधा है, और बींग एंड ए ब्लेड, ऐसे ब्लेड होता था, विथ विच ए पर्सन बिहेडेड, उसका सर अलग कर दिया था। इसका ग्लोटाइन नाम इसने पढ़ा था कि डॉक्टर गुलटिन था, उसने इसका खोज किया था। अब ये देखते हैं, रॉब्सपियर गवर्नमेंट इशूड्स लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस, कि उसमें जो अपने एक ऐसा कानून लाया जिसमें जो वेजेज है, वेतन है, या जो मजदूरी है, जो लेबर काम करते थे, उसका दाम बढ़ा दिया गया, उसकी मैंने कीमत बढ़ा दिया गया, कि अगर पहले 300 रुपीज़ में एग्जाम्पल मान लीजिए, तो अब उसको 400 रुपीज़ पर डे लेबर का वेजेस कर दिया गया। मीट और ब्रेड जो था, वेयर राशन, और जो राशन था, जो मैंने एक जैसा अभी भी राशन कार्ड होता है, APL कार्ड होता है, BPL कार्ड होता है, या रेड कार्ड होता है, जो फूड सिक्योरिटी में आप क्लास 9th में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का बुक में, तो यहाँ पर मीट और ब्रेड जो था उसको राशन में दिया जाने लगा। पीजेंट वेयर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़, और जो किसान थे उनको मजबूर किया कि वो डायरेक्ट सिटीज़ में आके भेजें, एंड सेल इट द प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और उसको मैंने कि जो भी खरीदे भी, तो जो सरकार तय किया कि इतना दाम है, उसी दाम में उसको खरीदें। यानी अब किसान को क्या हो गया कि कीमत ज़्यादा मिलने लगा, लेकिन क्या हो गया कि जो ज़्यादा मिलने लगा, जो फूड ग्रेन्स है वो महंगा हो गया, उसकी कीमत जो थी महंगा हो गई। तो यहाँ पर क्या कि द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव
वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, ऑल सिटीजन वेर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डेलीकेटेड, यानी इक्वली ब्रेड कि सभी जो सिटीजन थे सबको ब्रेड खाना था। लूप मेड अप ऑफ होल व्हीट जो कि गेहूं से बना था। इक्विटी वाज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स स्पीचेज एंड एड्रेसेस कि समानता का अधिकार दिया गया, बताया कि इक्विटी है क्या। इंस्टीट ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सफेयर जो पहले सर की उपाधि थी या मैडम की उपाधि थी, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन आर हैंसफोर्थ सिटीजन मैंने नागरिक और सिटीजन यानी सिटीजन दो वर्ड दिया गया। चर्चेज व सल्टन चर्चेज को बंद कर दिया गया और दे आर बिल्डिंग कन्वर्टेड इंटू बैरक और ऑफिस, जहाँ उसके जो चर्च थे उसके ओफी वहाँ पर ऑफिस बना दिया गया या फिर सेना का केंद्र बना दिया गया। रॉब्सपियर जो मैक्सिमम रॉब्सपियर था परसूड द हिज पॉलिसी सो रिलेंटली डैट इवन ही सपोर्टर बिगन टू डिमांड मॉडर्नाइजेशन कि उसके जो समर्थक थे वो भी आंदोलन करना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट, लेकिन कोर्ट के द्वारा उनको सजा दिया गया जुलाई 1794 में, क्योंकि मैंने रेन ऑफ टेरर का बताया कि जून 1793 से चालू हुआ था और उसका एंड हो गया था जुलाई 1794 में, जब मैक्सवेल को फांसी दिया गया क्या उसको गोलंटाइन कर दिया जिसने उसने बनाया था। अब हम लोग आते हैं कि उसके बाद जब ये ऐसी घटना को, ये पिक्चर्स है इसमें संतीप माना गया, इक्वली सब बैठे हुए, और ये एक तरह से इसको कहिए कि सिंबल माना गया सिविलाइजेशन। इस सिंबल को ग्रीस या माने कि वहाँ के इतिहास से लिया गया है, तो इसको देखिएगा आपको उसका डायरेक्टरी रूल फ्रांस। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टरी रूल है क्या, तो इसको चलिए देखते हैं नोट्स में, देखते हैं कि डायरेक्टरी रूल्स है क्या। तो डायरेक्टरी जो था 1795 जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जुलाई 1794 में उसको गुलाटाइन करने का फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1795 में, और उसमें एक चीज़ किया गया कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन 1795 जो मिडिल क्लिप्स है टू कंट्रोल, जो मिडिल ग्रुप था जो मिडिल लोग के रहने वाले थे जो एजुकेटेड थे वो मैंने कि उनका नियंत्रण किया। नो प्रॉपर्टी नो राइट टू वोट, अगर संपत्ति नहीं है तो वोट देने का अधिकार नहीं था। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जैसे इंडिया में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है स्टेट में, और सेंट्रल में होता है लोकसभा राज्यसभा, तो इसी तरह का दो तरह का बनाया गया। एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टेबलाइज विद 5 डायरेक्टर्स, और एग्जीक्यूटिव में 5 डायरेक्टर होगा और उसमें कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं होगा, जैसे रॉब्सपियर ने कहा था नेपोलियन को उसका जो था। अब यहाँ पर नेपोलियन का उदय होता है, नेपोलियन की चर्चा करेंगे 1769 में, उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच फैक्ट्री के इटली और फ्रांस ऑस्ट्रिया में, जब यहाँ नेपोलियन बहुत फेमस हुआ कि उसने जो एल्प्स पर्वत है उसको पार करके इटली पहुँचा था जो कि बहुत खतरनाक था, लोग उससे पहले एल्प्स पर्वत पार नहीं किए थे, लोग इसको इम्पॉसिबल माना जाता था उसको पार करना, लेकिन नेपोलियन जो थे उस समय सेना को लेकर उस जो आल्प्स पर्वत है वहाँ पहुँच गए और उसके सैनिक डरे हुए थे, उसको रास्ते में उसके एक बुढ़िया भी मिली और उन्होंने मना किया कि यहाँ मत जाओ, यहाँ पर इस रास्ते से कोई भी जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है, लेकिन इटली ने अपने सेना को लेकर आगे बढ़ा और उसके जो सैनिक थे वो पूछते रहे कि क्या हम लोग आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो मैंने तो उसने नेपोलियन ने कहा कि आ रहा है, फिर थोड़ा देर एक ऊँचा पहाड़ आया तो उसके सैनिक ने फिर पूछा कि क्या ये एल्प्स पर्वत है, तो लेकिन नेपोलियन ने कहा कि नहीं ये एल्प्स पर्वत नहीं है, इससे आगे और ऊंचा वो एल्प्स पर्वत है, लेकिन चलते थे वो पर्वत ही पार कर गए, लेकिन उसके बाद फिर सैनिक पूछा क्या हम लोग एल्प्स पर्वत अभी तक दिखाई नहीं थे दूर दूर तक, तो नेपोलियन ने कहा कि हम लोग एल्प्स पर्वत पार कर गए हैं। तो यही चीज़ था कि ये नेपोलियन चर्चित हुए, और इसको आगे हम लोग देखेंगे बुक में, उसके बाद फिर आते हैं वापस हम लोग। तो बुक में दिया हुआ है कि डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस की द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब या जैकोबिन गवर्नमेंट, जो रॉब्सपियर थे मैक्सिमम रॉब्सपियर उसको मरने के बाद देखे वहाँ पर जो वेल्डियर मिडिल क्लास थे उसकी पावर सीज कर दिया गया। अलाउड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोफेशनल सेक्शन, जैसे बताया कि जिसका संपत्ति नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दो तरह का बॉडी था। देन दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाया गया, एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और उसमें 5 मेंबर्स जो थे एग्जीक्यूटिव में थे। दिस वॉज मीन्ट अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव, कि एक जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता था एक आदमी होता था, उसकी जगह 5 होंगे। तो हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैशेड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। हु देन साउट टू डिसमिस देयर, तो दोनों को हटाने लगे। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट, और इसी आपस मतभेद जो 5 मेंबर थे 1 2 3 4 5
अगर ये बोला कि सुबह है तो ये बोल रहा था शाम है, तो एक दूसरे की बात नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर नेपोलियन जो मिलिट्री जो डिक्टेटर था, तानाशाह था, वो उसका उदय हुआ। थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ और फर्टनिटी रिमेन इन स्प्रिंग आइडियल डैट मोटिवेट पोलिटिकल मूवमेंट। तो इस तरह से देखें कि यहाँ पर आंदोलन हुआ, और इसके बाद जाके जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि डिड विमेन ऑफ रिवोल्यूशन, और उसके बाद अंतिम होगा। तो वहाँ पर जब डीड जैसे रिवोल्यूशन, इसमें देखें क्या उसने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद जाके स्लेवरी का अंत हो गया, रिवोल्यूशन एंड जो इमर्जेंसी लाइफ था। तो अगले पार्ट हम लोग देखेंगे इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।